गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई चैप्टर, नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। ऑसिलेशंस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। ऑसिलेशन अगर हम लोगों का क्लियर होगा तो जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेव्स का, वो हमारा क्लियर होगा। और जब हम वेव्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स आती हैं, मेटेरियल वेव्स आती हैं। तो रिलेशन वेव कोई भी हो लेकिन चूंकि वो पीरियोडिक है तो उसका रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। तो जो वेव का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों को हमारी नेक्स्ट क्लास यानी ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करेंट्स के लिए पढ़ना है, फिर उधर वेव थ्योरी में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शुरुआत है वेव्स की वो हमारी ऑसिलेशन से होती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि ऑसिलेशंस और वेव्स वाली जो यूनिट है इसको स्टूडेंट्स या डिफरेंट स्कूल्स बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, जबकि अगर मैं देखूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सीबीएसई सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहां से शुरुआत हमारी होती है और यही सारी चीजें एक्यूमुलेट होते होते हम लोगों को 12 तक पहुंचती हैं। तो काफी सारी जगह पर होगी, इसलिए आपको तरीके से तैयार करना है इसको। एज यूजुअल ड्यूरेशन की बात करें, अराउंड 26 पीरियड्स हम लोगों के इसमें लगने वाले हैं। अब चूंकि हम लोगों का यहाँ पीरियड जो है थोड़ा बड़ा होता है तो 20 मान सकते हैं आप लोग, 17 मान सकते हैं, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे, एमसीक्यू भी होगा, व्हाटएवर, सो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगे। वेटेज की बात करें तो 10 मार्क्स की इस पूरी यूनिट की वेटेज है, यानी 5 मार्क्स की वेटेज में ऑसिलेशंस की कह सकता हूं और 5 मार्क्स की वेटेज में वेव्स की कह सकता हूं। इस तरह से इसका सीबीएसई का स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट, वेटेज मार्क्स की तो अलग बात है लेकिन इंपॉर्टेंस मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। सिलेबस बड़ा सिंपल सा सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग यहां पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ना चाहेंगे। पीरियड से ही पता लग रहा है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई रिपीटिंग मोशन है तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। अब पीरियोडिक मोशन है तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है, जो रेगुलर टाइम इंटरवल है उसी को हम लोग यहां पे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का अगर रेसिप्रोकल मैं लेता हूं तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, दैट इज 1/T, मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की। देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मैं यहां इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहता हूं, किसी भी डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहता हूं, अगर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देना चाहता हूं तो उसे मैं फंक्शन ऑफ टाइम के नाम से जानूंगा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई वाई डिस्प्लेसमेंट है और अगर ये वेरी करता है अलोंग विद टाइम तो मैं इस फंक्शन को लिखता हूं वाई टी, यानी वाई दैट इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेरिंग अलोंग विद टाइम। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का। इसके बाद पीरियोडिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करते हैं, एक रेगुलर पीरियड के बाद में रिपीट करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। अब उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये बात हम लोगों को यहां पे पढ़नी है। देन आफ्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हम लोगों को डिस्कस करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस के बारे में बात करनी है। फेज, जिस तरह से हम लोग लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में पोजिशन की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एंगुलर मोशन की जब हम बात करेंगे, रोटेटरी मोशन की बात करेंगे, तो फेज का कॉन्सेप्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस के बारे में हम लोग यहां डिस्कस कर रहे थे तो लोडेड स्प्रिंग की बात हम लोग करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं अपनी कार को देखता हूं तो उसमें लोडेड स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है। कार के जो शॉकर्स हैं उसमें लोडेड स्प्रिंग होती है, या बाइक या स्कूटी के शॉकर्स जो हैं वो लोडेड स्प्रिंग्स हैं। अगर उनको एक बार प्रेस करके छोड़ दिया जाए तो वो बार बार ऊपर नीचे जंप करते रहते हैं। तो उसका मोशन किस तरह से होगा, किन लॉज के थ्रू उनको हम लोग गवर्न कर पाएंगे, ये बात हमें पढ़नी है। रिस्टोरिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को अपनी मीन पोजिशन की तरफ टेंड करता है, मीन पोजिशन की तरफ लाने की कोशिश करता रहता है, उसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए, नॉर्मली स्प्रिंग के लिए। मान लीजिए मैं स्प्रिंग को पुल करता हूं
या पुश करता हूं, तो जो भी फोर्स यहां पुल या पुश के लिए लगाता हूं, तो जितना मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं इसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट हमारा आता है, जिसे मैं यहां फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानता हूं। तो इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हम लोगों को देना। देन आफ्टर एनर्जी इन SHM, अब जब भी मेरी कोई बॉडी ऑसिलेट करेगी, चाहे वो सिंपल पेंडुलम है या वट एवर सो स्प्रिंग है, लोडेड स्प्रिंग है, तो इसके अंदर अपनी कोई एक एनर्जी होगी। अब ये काइनेटिक हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, तो इन एनर्जी का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। सिलेबस में हमारे ये सारा इंक्लूडेड है और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड भी हैं। अगर एक चीज क्लियर होगी तो दूसरी क्लियर होगी, दूसरी क्लियर होगी तो तीसरी क्लियर होगी। जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सिंपल पेंडुलम एक अच्छा एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का, एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसका एक एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करेंगे, निकालेंगे। इसके बाद ऑसिलेशंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इनका सिर्फ हम लोगों को डिस्टेंस क्वालिटेटिव आइडिया करना है, इनका कोई डेरिवेशन हम लोगों को नहीं करना। फोर्स ऑसिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये ब्रीफिंग थी हमारे सिलेबस की, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना है। वेव्स का जहां तक प्रश्न है, तो वो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, उसका सिलेबस हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोगों को लैब में काफी सारे करने हैं। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है LT स्क्वायर का ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना है, उसके बेसिस पे कई सारी चीजों को निकालना है। तो स्टूडेंट, नॉर्मली हम लोग एक यहाँ सिंपल पेंडुलम लेते हैं, इस सिंपल पेंडुलम को हम लोग अपनी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो ये ऑसिलेट करता है। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम गया, दूसरी तरफ एक्सट्रीम से मीन आया, तो इसे हम लोग वन कंप्लीट ऑसिलेशन का नाम देते हैं। अब वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो भी टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे, और जो इस पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ होगी, यानी बॉब के सेंटर से और रिजिड सपोर्ट तक की जो लेंथ होगी, उसे हम लोग यहाँ एल से डिनोट कर रहे हैं। तो एल और टी स्क्वायर, यानी डिफरेंट एल लेकर के उसके लिए डिफरेंट टी जो आएंगे, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एल और टी स्क्वायर के बीच में, उसके बेसिस पे हम लोग कई सारी चीजें निकालेंगे। सेकेंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ, यानी लेंथ हमारी कॉन्स्टेंट होगी, लेकिन जो वॉब है साइज भी हमारा सेम होगा, लेकिन इनके मास डिफर होंगे। अब मास डिफर तभी हो सकते हैं साइज सेम पे जब डेंसिटी डिफर हो। तो हम लोग एक बार लेड का वॉब ले लेंगे, एक बार ब्रास का वॉब ले लेंगे, एक बार एल्यूमिनियम का वॉब ले लेंगे। तो डिफरेंट वॉब्स के लिए हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स निकालेंगे और फिर इनको इंटरप्ट करेंगे, देखेंगे इनसे क्या कंक्लूड निकलता है। एक्टिविटीज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो लैब में करने के लिए एक्टिविटीज यहाँ हम लोगों को मिलती है। टू स्टडी डेसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। तो कोई भी ऑसिलेटरी पेंडुलम हम लोग जनरली यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, और इस ऑसिलेटरी पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है उसको टाइम के साथ साथ हम लोग मेंशन कर लेते हैं, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, तो हमें ये एक्टिविटी करने का मौका मिल जाता है, या एक्टिविटी से हम लोग कुछ देख पाते हैं, और बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए आपने इसको एक बार ऑसिलेट करा के छोड़ दिया, तो आप देखते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे इसके एम्पलीट्यूड जो है वो कम होते चले जाते हैं, यानी मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन थी वो धीमे धीमे करके कम होती चली जाती है, यानी इसकी एनर्जी जो है डेसिपेट होती चली जाती है, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये फिर रेस्ट में आ जाता है। तो यही चीज हम लोगों को एक्टिविटी की फॉर्म में यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स शो करनी है। तो काफी कुछ हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट है निश्चित रूप से, सारी की सारी चीजें यहाँ से आगे की एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे और सारी क्लासेस को प्रॉपर लेंगे। अब मैं कंटेंट शुरू करने जा रहा हूँ, बड़ा मजा आता कंटेंट। डिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डेफिनेशंस की बात करें, तो यहां डिस्कस करना चाहेंगे पीरियोडिक मोशन को। कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। हमने यहां हाईलाइट भी किया हुआ है, ए मोशन रिपीट्स इटसेल्फ ओवर
एंड ओवर अगेन एट ए रेगुलर इंटरवल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, हर्ट हमारा बीट कर रहा है, बार बार पंपिंग करता है, तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से हर्ट बीट की अगर मैं बात करता हूं तो ये पीरियडिक मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बसरते हम लोग रेस्ट में आराम से एक ही जगह में बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में कोई आलतू फालतू का थॉट भी नहीं आ रहा, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो ब्रेन से कंट्रोल्ड है। अगर हमें अचानक से डर लगने लगे तो अचानक हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम कहीं से दौड़ के आ रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी, यानी टाइम पीरियड कम हो गया होगा, जल्दी जल्दी हार्ट हमारा बीट कर रहा होगा। तो रेशन मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे ब्रेन में कोई थॉट भी इस तरह का नहीं आ रहा जिससे कि हार्ट बीट चेंज हो। तो उस स्थिति में अगर मैं बात करता हूं तो हार्ट बीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियडिक मोशन है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, बच्चे का नहीं, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो टाइम पीरियड है हार्ट बीटिंग का वो 0.8 सेकंड होता है। तो आप यहां से निश्चित रूप से एक क्लॉक भी अपनी सेट कर सकते हैं, क्या 0.8 सेकंड में एक बार हार्ट हमारा बीट करेगा, तो मैं यहां ऐसे कह सकता हूं कि अगर 60/0.8 करता हूं तो एक मिनट में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स मैं यहां से निकाल सकता हूं और उनको महसूस करके। आपको पता होगा कि जो आयुर्वेदिक पहले वैद्य लोग होते थे वो निश्चित रूप से यहां नाड़ी देख करके, नाड़ी का मतलब सीधे सीधे पल्स होती थी, टेम्परेचर और ये कई सारी चीजें सेंसेशन होते थे, कुछ फेस रीडिंग भी होती थी, तो उन सारी चीजों से रोग का पता कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो हार्ट बीट है वो काफी हेल्पफुल होती है अगर हम लोग मेडिकल साइंसेस की बात करें तो। यहां तो हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ पीरियडिक मोशन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ हार्ट बीट। तो पीरियडिक मोशन आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो मोशन ऑफ मून है अराउंड अर्थ, तो 27.3 डेज में एक बग कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो ये भी पीरियडिक मोशन है। इवन दैट हमारी जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, यानी सुई की जो घड़ियां हैं, वो भी पीरियडिक मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। वर्ड सारे ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें माइन्यूट डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस हम लोगों को यहां पे समझना है। ए बॉडी मूव्स बैक एंड थ्रू अप एंड डाउन रिपीटेडली मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन बी टर्म्ड एज ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और इन हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, पीरियडिक मोशन में एक सर्कुलर मोशन भी हमारा था और एक मीन पोजिशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट हमारे पास था। तो ये दोनों ही पीरियडिक मोशन थे, लेकिन अगर मैं सिर्फ बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन की बात करता हूं किसी भी मीन पोजिशन के अक्रॉस, तो मैं उसे ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानूंगा। यहां एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो गिटार के स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है, स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक वॉल, आपने देखा होगा कई सारी घड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें नीचे एक पेंडुलम होता है वो स्विंग करता रहता है, तो ये जो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक है इसको भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के कैटेगरी में लेंगे या हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में लेंगे। देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, रेशन बड़ा क्लियर करके हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है, वायलेट कलर से हमने लिखा है और रेड कलर से लिखा है, दोनों चीजें बिल्कुल मजेदार सी हैं और काफी इंपॉर्टेंट है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरी पीरियडिक, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होगा तो वो पीरियडिक जरूर होगा, यानी पीरियड इज ए सेट एंड ऑसिलेटरी मोशन इज ए सबसेट, समझ गए होंगे? तो इस सबसेट के अंदर कोई भी मोशन होगा, किसी भी तरह का ऑसिलेटरी मोशन होगा तो वो पीरियडिक जरूर होगा, लेकिन सारे के सारे पीरियडिक मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो रेड से हमने ये मेंशन किया हुआ है, एवरी पीरियडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियडिक। तो ये मैं समझ सकता हूं इजीली,
अब अर्थ के रिवॉल्यूशन की बात करें सन के चारों तरफ या मून के रिवॉल्यूशन की बात करें अर्थ के चारों तरफ, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही मोशन पीरियोडिक तो हैं लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। तो ये एग्जांपल के फॉर्म में और डेफिनेशन की फॉर्म में हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फर्क है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे पीरियोडिक फंक्शंस की। ऐसे फंक्शन जो किसी पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। इट मींस सिंपल सा, कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता हो उसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जानेंगे। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने साइन फंक्शंस की बात की है या कॉस फंक्शन की बात की है, तो ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं? पीरियोडिक हैं। बिकॉज ऑफ साइन फंक्शंस हमारे प्लस वन, जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करते हैं, एज वेल एज कॉस फंक्शंस हम लोगों के माइनस वन, जीरो और प्लस वन के बीच में लाई करते हैं, यानी जब भी वैल्यूज होंगी तो वो इन्हीं वैल्यूज के अंदर अंदर क्या करती रहेंगी? अपने आप को रिपीट करती रहेंगी। इस चीज को हम लोगों ने यहां जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, दैट इज एफ स्टैंड फॉर फंक्शन थीटा एंड टी, थीटा इज अ एंगल एंड टी इज अ टाइम, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन जो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है एज वेल एज टाइम के ऊपर डिपेंड करता है उसे मैं यहां पे फंक्शन ऑफ थीटा एंड टी कह रहा हूं। डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन फिर मेरे को अच्छे से देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा फंक्शन जो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर एज वेल एज टाइम के ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एफ ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस टी। डियर स्टूडेंट्स यहां मैं साइन के फंक्शन की बात करता हूं, तो फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन एंगल दैट इज साइन फंक्शन, जस्ट लाइक एग्जांपल, तो साइन थीटा प्लस टू पाई अगेन हैव ए वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इसका मतलब टू पाई के बाद निश्चित रूप से ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा, तो इस तरह से ये फंक्शन मेरा पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इसी तरह से कॉस को भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, इवन यहां साइन थीटा प्लस टू पाई का हमने कहा है साइन थीटा प्लस फोर पाई कहते हैं, साइन थीटा प्लस सिक्स पाई कहते हैं, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए टू पाई का, तो बार बार वैल्यूज मेरी वही रिपीट होंगे। एग्जांपल के लिए जो वैल्यू मेरे पास साइन 45 की होती है वही वैल्यू मेरे पास साइन 360 प्लस 45 यानी 405 की होगी। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू अगेन 360 के बाद वही रिपीट होगी। तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको मैं यहां पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जानता हूं। तो यहां जो मैंने फंक्शन मेंशन किया वो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया और टाइम के रेस्पेक्ट में भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद निश्चित रूप से ये फंक्शन जो है अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। यहां कॉस फंक्शन की बात हम लोगों ने की, द सेम एस्पेक्ट इज हियर, पहला फंक्शन हमने यहां दिखाया टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम का वेरिएंट एफ वन साइन टू पाई ओवर टी लिखा, दूसरा फंक्शन हमने जी लिया वो भी हमारा टाइम का वेरिएंट है कॉस फंक्शन। तो साइन और कॉस फंक्शन दोनों ही मैं पहले बता चुका हूं कि ये कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। अब अगर इनको मुझे चेक करना है तो बड़ा सिंपलिसिटी में मैं इनको चेक करके देख सकता हूं, मैथमेटिक्स में तो आप लोग ये सब करके आते ही हैं। मान लीजिए कोई मेरे पास फंक्शन एफ वन है, इसको मैं पीरियडिसिटी चेक करना चाहता हूं तो कैपिटल टी टाइम पीरियड से ऐड करके नई वैल्यू निकालता हूं, तो डियर स्टूडेंट दैट इज साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी, टी प्लस कैपिटल टी, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये 2 पाई प्लस 2 पाई ओवर कैपिटल टी का मल्टीप्लिकेशन स्मॉल टी के साथ होगा एज वेल एज 2 पाई ओवर कैपिटल टी का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल टी के साथ होगा, तो ये मेरे को मिल गया। ये बात अभी 2 मिनट पहले ही मैं बता के चुका हूं, साइन थीटा प्लस 2 पाई, देखें जरा 2 पाई के बाद में अगेन ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा ही करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कैसा है? पीरियोडिक है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लोग लेना चाहेंगे, अगेन थोड़ा मिलता-जुलता सा, पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक। ऐसे फंक्शन जो किसी हार्मोनिक फंक्शन से रिपीट हो सकते हैं, ऐसे मोशन जो किसी हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों ही बातें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं।
दूसरी बात को हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहेंगे, ऐसे मोशन जिन्हें हम किसी हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। अब ये हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, अगेन डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू ही मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास साइन का फंक्शन है। अब साइन का फंक्शन हार्मोनिक है, क्यों हार्मोनिक है, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हैं वो डेफिनेट है, प्लस वन से माइनस वन इसकी लिमिट है। तो ये हमेशा जब भी अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा तो वो प्लस वन से ज्यादा नहीं कर सकता और माइनस वन से कम नहीं कर सकता, इसलिए इसे मैं हार्मोनिक फंक्शन कहता हूं। बिल्कुल इसी तरह से जो कॉस का फंक्शन है वो भी हार्मोनिक है, ये भी मेरा माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता है। इसी बात को हम लोगों ने यहां नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन। आर्गुमेंट बोले तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। द फॉलोइंग साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर पीरियोडिक विद पीरियड टी, कैपिटल टाइम टी के बाद ये वैल्यूज हमारी बार बार रिपीट होती हैं। तो हमने यहाँ पे साइन ओमेगा टी, जो थीटा है उसी को हम लोगों ने साइन ओमेगा टी यहाँ ब्रेकअप करके लिखा हुआ है, उसी को हम लोगों ने 2 पाई ओवर कैपिटल टी लिखा है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी भाई ओमेगा के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, 2 पाई ओवर कैपिटल टी के बारे में, ये प्रीवियसली हम लोग सारा का सारा थर्ड या फोर्थ यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो वही सारी वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पे बार बार रिपीट करके लिखने की कोशिश की है। तो ये मेरा फंक्शन एफ है जो टाइम का वेरिएबल है, और फंक्शन एफ जो टाइम का वेरिएबल है उसको मैं साइन के टर्म्स में लिख रहा हूं। साइन के टर्म्स में मैंने इसको ब्रेकअप किया है, दैट इज 2 पाई स्मॉल टी ओवर टी, वेयर 2 पाई इज अ कॉन्स्टेंट, स्मॉल टी इज अ इंस्टेंटेनियस टाइम एंड कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड। ये रिप्रेजेंटेशन डियर स्टूडेंट्स। तो हार्मोनिक फंक्शन भी मेरे साइन और कॉस ही होते हैं, बाकी टैन कॉट सेक कोसेक की बात करेंगे तो हार्मोनिक नहीं होते। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये दो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने यहां डायग्राम पर दिखा रखे हैं, दोनों के बारे में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट आपको एक देता हूं कि देखिए जो साइन फंक्शन होता है ये हमेशा ओरिजिन से यानी जीरो से शुरू होगा, और जो कॉस फंक्शन होता है वो हमेशा पीक वैल्यू से शुरू होगा। अब अगर मैं इसको एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझूं, मान लीजिए मेरे पास कोई सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम की ये मीन पोजीशन है। अब मैं इसके ऑसिलेशंस अगर मीन पोजीशन से शुरू करता हूं तो निश्चित रूप से इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, चूंकि ये हार्मोनिक भी है, ये वाला होगा साइन फंक्शन की फॉर्म में, बिकॉज ऑफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। अब पेंडुलम तो मेरे पास वही है, लेकिन इस पेंडुलम को मैं मीन से शुरू नहीं करता, मैं इसकी शुरुआत कहां से करता हूं, किसी भी पीक से करता हूं। अगर पीक से ही अपना ऑसिलेशन शुरू करता है तो इस तरह के ऑसिलेशन को मैं ऑलवेज कहां से शो करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन से शो करूंगा। अब यहां नो डाउट ये मेरा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी साइड से शुरू करेगा, इट मे बी पॉसिबल कि ये मेरा यहां से इस एक्सट्रीम से शुरू करे, इस एक्सट्रीम से शुरू करेगा तो मेरा जो मोशन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट राइट के लिए सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है हमारा, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही साइन का फंक्शन जीरो से हमेशा प्लस की तरफ शुरू में जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साइन का फंक्शन हमारा जीरो से माइनस वन की तरफ जा सकता है, फिर प्लस जा सकता है, फिर माइनस की तरफ जा सकता है, व्हाटएवर। सो तो डियर स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शो करते हैं, एक तरह से राइट हैंडेड सब लोग होते हैं, तो ज्यादातर केसेस में आपको अगर साइन फंक्शन की बात करनी है तो जीरो से पहले प्लस की तरफ ही ले जाओगे, या कॉस फंक्शन की बात करनी है तो प्लस वन से शुरुआत करोगे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारा दूसरी तरफ का मोशन भी हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अगर मोशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है देन आई शुड कंसीडर हियर पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है देन आई शुड कंसीडर इट नेगेटिव। आप सबको पता है बिगनिंग से पढ़ रहे हैं कि एंगल मेजरमेंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो मोशन की अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है देन वी हैव टू कंसीडर इट पॉजिटिव। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाकर के बड़ी हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, जो परेशान करती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसलिए मैं इनको एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां हम लोगों ने इसको मेंशन भी किया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर नेसेसरी पीरियोडिक,
बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक. हर पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर हार्मोनिक फंक्शन पीरियोडिक होगा ऐसा जरूरी है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की. अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है वो निश्चित रूप से पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है. पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है. एज यूजुअल एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग यहां डिस्कस करना चाहेंगे, देखते हैं जरा, बहुत ही मजेदार सा. अब इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की जरूरत हम लोगों को होगी. एक पार्ट मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी के पार्ट आप लोग एज असाइनमेंट घर से करेंगे. ये यहां क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स ए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक. यहां कुछ फंक्शन हमें लिस्ट किए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा फंक्शन है जो पीरियोडिक है और कौन कौन सा फंक्शन है जो नॉन पीरियोडिक है, एंड गिव द पीरियड ऑफ ईच केस. अब पीरियोडिक है या नहीं है ये तो पता नहीं है, साथ में हमें पीरियड भी निकाल के देना है, टाइम पीरियड भी इसका निकाल के देना है. अब यहां एक थोड़ा सा ब्रीफिंग भी कर रखी है, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट. ओमेगा को यानी एंगुलर वेलोसिटी को यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह से ट्रीट किया है. इसका मतलब जो मोशन है उसको शुरू में उसने कह दिया इट इज एंटी क्लॉकवाइज. स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है वो ही इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चार पार्ट याद रखे हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी आ सकता है. तो आपको यहां प्रोसेस को फॉलो करना है ना कि क्वेश्चन को. देखिए स्टूडेंट्स, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. अब इंडिविजुअली हम लोग जानते हैं कि साइन ओमेगा टी हार्मोनिक है पीरियोडिक है, कॉस ओमेगा टी हार्मोनिक है पीरियोडिक है, लेकिन क्या इनका सम भी पीरियोडिक होगा ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है. अब मैथमेटिकल एडिटिविटीज और अपनी तरफ से कुछ मैनिपुलेशंस को लेकर के हम लोग इसको प्रूव करने की बात करेंगे. जैसा मैंने अभी कहा था कि पहला पार्ट मैं यहां प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे. देखिए, लेकिन एक बार अगर आपने प्रूव कर लिया तो फिर फाइनली इसको एज रिजल्ट आप लोग यूज कर सकते हैं. प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ मैनिपुलेशन करते हैं आइडेंटिटी टर्म्स में इसको बनाने के लिए. हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी इक्वेशन को टू स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट टू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. यहां तक मैं समझता हूं किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब जरा देखिए, स्क्वायर रूट टू जिससे मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर है, साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे, लेकिन ये वन अपॉन स्क्वायर रूट टू जो मैंने अपनी तरफ से यहां पे लिखा है एक तरीके से, उसको मैं लिखता हूं कॉस पाई बाई फोर. कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू होती है, ईच एंड एवरी वन नोस. कॉस ओमेगा टी एज इट इज है, यहां जो वन अपॉन स्क्वायर रूट टू मैंने अपनी तरफ से लिखा था मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के टर्म्स में, उसकी वैल्यू डाल दी साइन पाई बाई फोर. हम सब लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई स्क्वायर रूट होती है. अब यहां वो पीछे वाला बच्चा कह रहा है सर हमें कैसे पता हम स्क्वायर रूट टू से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई स्क्वायर रूट थ्री से भी तो कर सकता है. हाँ बेटा, जब पहली बार नानी के घर जाते हो तब यह दिक्कत आ सकती है, उसके लिए मम्मी पापा तुम्हारे साथ जरूर होते हैं, लेकिन अब बार बार थोड़ी ना मम्मी पापा साथ चलेंगे तुम्हारे. सिंपल, पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, पहली बार मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी. लेकिन इसके बाद आपको अपना थिंक प्रोसेस लगाना है, आपको अपना लॉजिक लगाना है. मैथमेटिक्स पढ़ ही इसलिए रहे हो, बाकी मैथमेटिक्स का लाइफ में कोई यूज नहीं है अगर फिजिक्स में से इसको हटाते हैं तो. चलिए, अब मेरे पास साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी लगती है. इस आइडेंटिटी से मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, दैट इज साइन ए प्लस बी. मोर एवर स्टूडेंट्स, अब इसको इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं. कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है x जो टाइम का वेरिएबल है, तो एक बार मैंने एक्स t की वैल्यू निकाली, अगली बार मैं t की जगह पे t प्लस टू वाई ओवर ओमेगा प्लेस करूंगा, तो यहां मैं प्लेस कर सकता हूं.
ओमेगा टी की जगह पे, ओमेगा तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन स्मॉल टी की जगह पे यूज किया मैंने स्मॉल टी प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा, दैट इज हियर प्लस पाई बाई 4। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर मेरे को वही चीज मिल गई जो बिगिनिंग में थी। तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन मेरा कैसा है, पीरियडिक है। इवन दैट मैं यहां से वैल्यू भी निकाल के दे सकता हूं पीरियड की, दैट इज 2 पाई ओवर ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से हम लोग इनको आगे सॉल्व करेंगे। हालांकि आगे वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं है, आसान है। चलो देखो एक आध और देख लेते हैं, साइन ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी, साइन फोर ओमेगा टी। अब इन सबके टाइम पीरियड आप अलग अलग निकाल लीजिए। एडिशन में हमने अभी पढ़ा कि दो कोई अलग अलग पीरियडिक फंक्शन है, उनका एडिशन भी पीरियडिक फंक्शन होता है। तो हम लोग इस आइडेंटिटी को एक तरीके से रेफरेंस देते हुए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी हमारा कैसा होगा, पीरियडिक होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? अब नेक्स्ट वन है मेरी e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अब e टू द पावर एनी वैल्यू तो मेरी पीरियडिक नहीं है, वो तो इनफाइनाइट तक वैल्यूज आती है। ऐसे ही लॉग में मेरी वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है वो पीरियडिक मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज़ जो वैल्यूज मेरी इनफाइनाइट तक जाती है, फर्स्ट और सेकंड की बात थी, तो दोनों ही ये पीरियड होंगे, पीरियडिक होंगे, और इनका पीरियड हमने यहां पे निकाल के भी मेंशन कर रखा है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी, कोई डिस्क्रिपेंसी आपको लगती है, देन सिंपली यू हैव टू व्हाट्सएप, डोंट कॉल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए वहीं से हमारा चला आ रहा है। सबसे पहले हमने बात की थी पीरियोडिक मोशन की, फिर हमने बात की थी ऑसिलेटरी मोशन की, और फिर अब हम लोग उसी को और स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ब्रीफिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या कोई भी ऐसा मोशन जिसे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सके। हार्मोनिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन एज वेल एज कॉस। क्यों है? क्योंकि साइन और कॉस दोनों की ही वैल्यू फिक्स लिमिट्स के अंदर ही वेरी करती है। क्या लिखा है हमने, जरा एक बार देखते हैं, डिक्टेट करते हैं इसे। इफ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। अब ये थ्योरेटिकल बात है, मैथमेटिकल बात अभी हम लोग आगे करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। पहला, किसी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो होना चाहिए। मैं इसको मीन पोजीशन के अप एंड डाउन भी कह सकता हूं, मैं इसको मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ भी कह सकता हूं, कोई भी हो सकता है। तीन एक्सेस ले लीजिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस ले लिया, ये वाई एक्सेस ले लिया, ये जेड एक्सेस ले लिया, तो किसी भी एक्सिस पे ये मोशन हो सकता है। हमने यहां पे सिर्फ टू एंड फ्रो की बात की है, तो तीनों ही हो सकते हैं। अब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा इसके मोशन को टुवर्ड्स सेंटर लाने की कोशिश करेगा, इसके मोशन को हमेशा सेंटर लाने, टुवर्ड्स सेंटर लाने की कोशिश करेगा, मोशन को हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लाने की कोशिश करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर ये तीन करेक्टरिस्टिक मिल रही हैं, पहली टू एंड फ्रो की, दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स की, तीसरी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानेंगे। ये रिस्टोरिंग फोर्स को फर्दर हम लोगों ने यहां डिफाइन किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर एक्स एक्सिस पे मोशन है, तो अगर y एक्सिस पे मोशन है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखेंगे, z एक्सिस पर मोशन है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z लिखेंगे। तो यहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आप डिफरेंट बुक्स यूज करते हैं, डिफरेंट नोट्स आप यूज करते हैं, आप किसी में x लिखा है, किसी में y लिखा है, जनरली z नहीं लिखता कोई, लेकिन z में भी हो सकता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब फोर्स को हम लोगों ने ma भी पढ़ा है, फोर्स को हम माइनस का kx भी पढ़ रहे हैं। अब ये माइनस का साइन क्यों है? माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि ये फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन डायरेक्टेड होता है, ये फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन डायरेक्टेड होता है, इसलिए ये माइनस का साइन यहां पे कंसीडरेशन में आ रहा है। तो डिस्टेंस यहां से देखते हैं, बड़ा बेकार से केस निकल के आता है, एम ए इक्वल्स टू
माइनस का के एक्स, और यहां से एक्सीलरेशन हमारा निकल के आ गया माइनस का के बाई एम, या एक्सीलरेशन इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हमने इस कंक्लूजन को कंक्लूड किया हुआ है। कैसे कंक्लूड किया हुआ है देखें, ए पार्टिकल इज सेट टू पॉसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो एंड अबाउट एनी पोजीशन अंडर एन एक्सीलरेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द पोजीशन। तो हमने पहले डिफाइन में फोर्स कहा था, दूसरी डिफाइन में हम लोगों ने एक्सीलरेशन कह दिया। तो डियर स्टूडेंट, दोनों ही डिफाइन हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बिल्कुल ठीक है, ये इतनी बड़ी डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये ई नोट्स हैं, आपको मोबाइल पे पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है। जब आप इसको अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे तो नॉट मोर देन टू सेंटेंस, दो लाइन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें सिंपल हार्मोनिक की, तो देखिए किसी भी स्प्रिंग के मोशन की बात हम लोग करें तो वो हमारा सिंपल हार्मोनिक होगा। मैं यहां आप लोगों को एक एग्जांपल शो कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास मान लीजिए स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग में ये कोई मास अटैच है। अब मैं अगर इसको यहां से छोड़ता हूं तो देखिए इसके ऑसिलेशंस जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, प्रोवाइडेड दैट व्हाट प्रोवाइडेड दैट एयर रेसिस्टेंस, ऑल डेसिपेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ऑल आर नेग्लिजिबल। हमने खत्म किया हुआ है, हटाया हुआ है किस किस को, जितने भी हमारे डेसिपेटिव फोर्सेस हैं उन सबको यहां से हटाया हुआ है। तो इसके जो ऑसिलेशंस हैं इनको हम लोग पीरियोडिक भी कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहेंगे, और ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर वर्टिकल आपने करके दिखाया, यस एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। मैंने अभी दो मिनट पहले डिस्कस किया था कि मोशन मे बी ऑन एक्स एक्सिस, मे बी ऑन वाई एक्सिस, और मे बी ऑन जेड एक्सिस। ट्यूनिंग फॉर्क की बात हम लोग करें तो ट्यूनिंग फॉर्क के ऑसिलेशंस भी हमारे निश्चित रूप से, वाइब्रेशंस ऑफ बैलेंसिंग व्हील ऑफ वॉच, अब पुरानी जो घड़ियां होती हैं मैकेनिकल वॉच होती हैं, किसी ने अगर खुली हुई देखी हो तो उसमें एक क्या होता है मैकेनिकल व्हील होता है, बैलेंसिंग व्हील होता है, वो ऑसिलेट करता रहता है। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज पीरियोडिक, पहली बात हम लोगों ने बता दी है यहां पे। It is the oscillatory motion of simplest kind in which the particle oscillates back and forth about its mean position with constant amplitude and fixed frequency. अब ये constant amplitude का concept क्या है? ये मैं जरा आपको समझाना चाहूँगा, dear students, और frequency का concept क्या है? ये बात मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, माने ये मेरे पास कोई एक mean position है, मेरी oscillatory body यहाँ से इस extreme तक जाती है, यहाँ से वापस mean आती है, फिर जितना इधर गई है सपोज x गई है उतना ही दूसरी तरफ x यहां जाती है। तो देखिए ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मीन पोजीशन। तो वो ये कह रहा है क्या कि एम्पलीट्यूड हमारा कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, ये कंप्लीट ऑसिलेशन है, मीन पोजीशन से इधर गया, यहां से फिर मीन आया, मीन से फिर इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पे आ गया, ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन है। इस वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है इसको मैं टाइम पीरियड कहता हूं, और इस टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसको मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। तो यहां वो इस बात को कह रहा है कि एक तो एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ये रहा एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। Restoring force acting on particle is proportional to its displacement. We have already discussed it कि जो restoring force है वो हमारा displacement के directly proportional होना चाहिए, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F equals to minus kx, where k is a restoring constant, minus का sign इसलिए क्योंकि ये force हमेशा towards mean position काम करता है। तो ये कुछ चीजें थी डियर स्टूडेंट्स, जो हार्मोनिक क्वेश्चन को, सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए एसेंशियल है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑलवेज अपोज द इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। अब
इस चीज को दोबारा एक तरीके से बोला गया है, बाकी तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या कि भैया जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजिशन लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उल्टे तरीके में क्या कह सकता हूं कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये मीन पोजिशन से दूर जाने को रोकेगा, अपोज करेगा। यही बात यहां पर लिख रखी है, ठीक है भाई, सॉरी यहां पर लिखी हुई है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल या रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑलवेज अपोज इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको इंक्रीज होने से हमेशा ये रोकेगा। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ऑफ साइन और कॉस। ये बात भी कोई नई नहीं है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नोट्स की फॉर्म में यहां हमें क्या करना था, इसको डिस्क्राइब करना था, लिखना था, इसलिए दोबारा से लिखा हुआ है कि जो भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो सिंगल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन जस्ट लाइक साइन और कॉस के टर्म्स में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना अगर आप क्लियर करेंगे तो अगली क्लास में चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बार बार हम लोग इन्हीं टर्म्स को यूज करने वाले हैं, तो आप ये सारा का सारा तैयार कर लें। इसमें कोई भी चीज आपको अंडरस्टैंडिंग में ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो सिंपली यू हैव टू व्हाट्सएप मी। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।